यूनिवर्स, दिस इज बहानूर उमर, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू योर ऑन शो। व्यूअर्स, आज हम हैं मॉल में, रश काफ़ी है, लोग आए हैं बड़े प्यारे प्यारे, और इतने प्यारे प्यारे हैं, सिर्फ प्यारे नहीं, मुझे लगता है कि वो दिल से भी बड़े खूबसूरत होंगे। ज़ाहरी तो हम अपनी सवार लेते हैं, लेकिन जो अंदर है उसको भी संवारना बहुत ज़रूरी है, दिल से अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज के सवाल से। सवाल है हमारा आज का ये कि वो क्या है जो एक इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। तो पूछते हैं लोगों से, वैसे मैं आपको बताऊं तो मैंने तो डांट बड़ी सुनी है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या क्या सुना है, और इस सवाल का जवाब भी देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद फैसल। क्या करते हैं फैसल? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? ICS पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी मॉल कैसे आए हो? वैसे इंजॉय करने आए थे, वीकेंड था। क्या करने आए थे? इंजॉय करने आए थे। अच्छा, आए कैसे? बाइक पे आए हो? हाँ जी, बाइक पे। वन व्हीलिंग तो नहीं करते? नो। सच बता दो, मुस्कुराहट से लग रहा है करते हो। मैं बाइक करता है। मेरा भाई करता है, तो भाई को समझाते नहीं हो? नहीं, शक्ल से ही लग रहा है वो वन व्हीलिंग करता है, पान भी खाता है लग रहा है, ऐसे है ना? अच्छा, मुझे बताओ कि बनना क्या चाहते हो? मैं इंशाल्लाह आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और भाई तुम्हारा क्या बनना चाहता है? भाई अभी मैट्रिक में। दूल्हा बनना चाहता होगा वो, है ना? यकीनन। शादी पहले करवाओ। अच्छा, लड़की भी पसंद होगी। एक भाई ऐसा होता है जो थोड़ा बदमाश होता है, एक शरीफ होता है। तुम शरीफ लग रहे हो। हाँ, मैं शरीफ हूँ। शरीफ हो तो ज़्यादा अम्मा अब्बा किससे प्यार करते हैं? ज़्यादा बदमाश से करते हैं वैसे प्यार? नहीं, वो छोटा है ना, उससे ज़्यादा प्यार मिलता है, मैं बड़ा मुझे करना। हाँ, यही होता है, जो जितना शरारती होता है ना घर में और जितना रूल्स तोड़ता है, अम्मा अब्बा उसी से ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसी है ना, लाहौर से ताल्लुक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। तो अभी वैसे ही सोचा कि भाई वगैरह निकले और घूमे फिरें। हाँ जी। सवाल करते हैं हम आपसे। जी पूछें। वो कौन सी ऐसी चीज, वो कौन सा ऐसा नाम है जो आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। लेकिन एक और मेरा सवाल से गड़बड़ हो गया है कि वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनता है? ये तो बोलता है ना, जो सुनता बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुनता है। आई नो, यू डोंट नो। अच्छा चले, ठीक है। तो आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? एक अच्छे काम करना चाहते हैं, नेकियां कमाना चाहते हैं, या चाहते हैं बस पैसा ही पैसा आ जाए ज़िंदगी में, पैसा ही पैसा आ जाए? नहीं नहीं, पैसे को लाइक नहीं करता मैं। पैसे को लाइक नहीं करते? ये होती है कि नमाज वगैरह ये अच्छे काम करें। अच्छा, तो आपको कायदे आज़म नहीं पसंद? पसंद है। पसंद है, किस सूरत में? बानी एक पाकिस्तान की सूरत में। अच्छा, बानी एक पाकिस्तान की सूरत में पसंद है, लेकिन नोट पर पसंद नहीं है? नोट नोट में नहीं पसंद। नोट पर नहीं पसंद? पैसे हैं नहीं है, पसंद नहीं है? पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे हैं इस वक्त जेब में? इस वक्त मेरी जेब में होगा 400 रुपये। वाह, आप पता लग रहा है आपको पैसे पसंद नहीं है। काफ़ी यही। तो कल को जब शादी होगी, बेगम आएगी, तो क्या करेंगे? उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। लगता है वो जो कायदे आज़म हैं नोट पर बने हुए, वो आप उनको दे देंगे? जब ज़रूरत होगी, जिसकी ज़रूरत है उसे दे देंगे। अच्छा ठीक है जी, तो आपसे हम टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता, तेज तेज। कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ज़बरदस्त, आप तो बड़े माहिर हैं। आप मुझे बताएं, कोई अच्छी बात बताएं आज की जो आपने ज़िंदगी में सीखा हो। यही सीखा है कि बस नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। लोग फालतू कामों की वजह से नमाज छोड़ देते हैं, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, ये तो आप अल्लाह पे एहसान थोड़ी ना करते हैं, नमाज तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। तो कौन किसी को समझाते हैं, स्पेशली अपने भाई को समझाते हैं? बताता हूँ लेकिन नहीं सुनता, उससे अल्लाह के गुस्से से भी कहा लेकिन वो नहीं मानता। अभी आपके बाद में आपके ज़रा भाई का इंटरव्यू करूँगी, देगा इंटरव्यू वो? देगा देगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज कौन लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके भाई? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। मतलब आप उनके भाई जी। मुझे बताएं कि क्यों करते हैं आप वन बिल? नहीं, मैं झूठ, वैसे ही झूठ बोल रहा है वो, मुझे झूठ बोल रहा है, बाइक ही नहीं चलानी आती। हजरत, आपका नाम क्या है? अजान। अजान, अच्छा। तो मुझे ये बताएं आप कि वो झूठ बोल रहा है कि आप वन व्हीलिंग नहीं करते? नहीं, चलानी नहीं आती तो करनी कैसे? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप।
तो आपको पता है माँ बाप को कितना अजीज होते हैं अपने बच्चों की जान के हमारा बेटा सही सलामत घर आ जाए, ऐसा ही है। पान भी खाते हैं लग रहा है? नहीं, सुपारी खाते हैं पान। अच्छा, सुपारी खाते हैं, तो वो सुपारी दी भी है किसी को? नो, वो ड्रामो फिल्मों में कहते हैं ना सुपारी दे दो। नहीं, क्या मतलब होता है वैसे? एमी मैंने बोल दिया, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। क्या होता है सुपारी दे दी? किसी को कत्ल करना हो। ए अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। तो मुझे ये बताएं कि ऐसी चीज़ें मुझे लगता है अच्छी लगती होंगी आपको। नहीं नहीं, जब लड़ाई होती है दोस्तों में सबसे पहले पहुंच जाते होगे? हैं? नो, नहीं पहुंचते। सच सच बताना है, मेरा शो जो है ना वो मैं सोच रही हूँ अब इसका नाम रख दूँ सच, सच का सामना। हाँ जी, है ना। करते क्या हैं आप? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में साइंस रखी हुई, आर्ट्स? बायो। बायो रखी हुई है, अच्छा। तो क्या पढ़े हैं बायो में, ज़रा कुछ बताएं। बायो में यही के इंसानी जिस्म के थोड़ी सी मालूमात और पौधों की, जानवरों की ऐसी मालूमात। अच्छा, इंसानों की, पौधों की, जानवरों की। पौधों की क्या पढ़े हैं? पौधों के वो सेल वगैरह कैसे बढ़ते हैं, ये कैसे? अच्छा, पौधों में सेल डलते हैं? नहीं, वो से होते हैं। घबराए ना, मैं तो वैसे ही आपको परेशान कर रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं हमारा सवाल है, वो कौन सा ऐसा नाम है या वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? अपना नाम। अरे बिल्कुल सही, अक्लमंद हो। चीटिंग तो नहीं की? कैसे हैं? कैसे क्या? कैसे किया चीटिंग? भाई ने बताया। अभी तुम्हारा भाई कह रहा था, कहता है मेरी शादी करा दो, अभी तो तुम 10th क्लास में हो। भाई झूठ बोल रहा है, मुझे आ गया। ओ हाय, तो शादी तो एक ना एक दिन करनी है। वो तो सारों ने करनी है। क्यों शादी करनी है तो फिर किससे करनी है? कैसी लड़की चाहिए? मॉडर्न? अच्छा, मॉडर्न ही चाहिए। नेक हो, मामा पापा का ख्याल रखती हो। अच्छा, तो अच्छी सीरत हो यही। अच्छी सीरत क्या होती है? खूबी होती है, कोई खूबी होती है। खाना बनाना आता हो? जी। खाना बनाना आता हो, क्या अच्छा बनाए खाने में? बिरयानी होगी वगैरह, कोरमा। अरे बिरयानी, गोश्त, गोश्त खोर लग रहे हैं, है ना। चले ठीक है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को? जी, 1 मिलिंग के बारे में। अच्छा अच्छा 1 मिलिंग इल्ज़ाम लगाया गया आप पे जी। कि दें जी 1 मिलिंग, खुद करते हैं लेकिन 1 मिलिंग का मैसेज देने लगे हैं। अभी मैं ना रास्ते में आ रही थी तो मैं देख रही थी रील्स, वीडियोस देख रही थी, तो मैंने देखा कि चंद लड़के थे जो बाइक पे जा रहे थे, तो एक गिर गया बड़ा बुरे तरीके से, बड़ा सैड सा म्यूज़िक इस पे लगा हुआ था, तो मुझे बड़ा देख के अफसोस हुआ। और अचानक आपका भाई मिल गया, आपने उन्होंने कहा आप 1 मिलिंग करते हैं। आप 1 मिलिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही देना चाहूँगा दोस्तों को, भाइयों को, कि अपनी जान का हिफाजत करें खुद, और घर वालों पर जो उनसे बीतती है वो ना बीते, बस। अब ना करना 1 मिलिंग, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे लग रहे हो तुम, मासूम लग रहे हो। एमी, मेरे जहन में एक मिनट इमेज बन गया था कि तो ये होगा कोई बदतमीज सा लड़का, लेकिन अच्छे अच्छे समझदार लड़के लग रहे हो। ऐसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जब आप पहली दफ़ा किसी को देखते हैं तो मत उसको जज कर लिया करें जैसे मैंने उसको जज कर लिया, कि ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा शरारती सा और बदतमीज सा होगा, लेकिन जब मैंने उससे बात की मासूम लग रहा था लड़का। तो जैसे उन्होंने कहा कि 1 मिलिंग करना ख़तरनाक बात है और पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अल्लाह ऐसी मौत से भी बचाए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? मलाइका सजाद। मलाइका क्या करती हैं? 9th क्लास में स्टडी कर। क्या बात है मलाइका, यही बातें अगर आप कैमरे की तरफ देख के करें तो बहुत बेहतर होगा। 9th क्लास में स्टडीज करती हैं, साइंस रखा हुआ, आर्ट्स रखी? साइंस। साइंस रखी भी है। डॉक्टर बनना चाहती हैं? नो। फिर? मैं CSS करना चाहती हूँ। CSS करना चाहती हैं। अभी आई हैं शॉपिंग के लिए आई हैं? जी, घूमने फिरने आई हैं। शॉपिंग, घूमने फिरने, दोनों के लिए। दोनों के लिए आई हैं। लाइफ के गोल्स क्या हैं? क्या अच्छा अच्छा क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में? मैं चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करूँ कि मेरे माँ बाप का नाम रोशन हो, सारी दुनिया को पता चले कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आपने एकदम सोचा? कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पर आपको फ़ील हुआ कि लड़कियों को डिग्रेड किया जाता है? क्योंकि बहुत से ऐसे मौके हैं, जैसे मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ, उनके साथ यही होता है कि उनके घर वालों ने इजाज़त नहीं देते आने की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं कहती हूँ कि लड़कियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी इजाज़त देनी चाहिए।
क्या करने की? यानी कि वो जो जितना पढ़ना चाहती हैं उतना। अच्छा, मैंने कहा शायद घर आने की इजाज़त नहीं मिलती। नहीं, ऐसी नहीं। आपको आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती हैं घर में? मेरे घर में जो मेरे भाइयों को दी जाती हैं वही मुझे दी जाती हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी क्वालिटी पे जी। चलिए, मेरा सवाल है आपसे, वो क्या है जो इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? वो अपनी, मतलब कि अगर बुराइयां ज़्यादा सुनता है इसीलिए क्योंकि जो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो नमक की तरह होते हैं, क्योंकि नमक की तरह, सॉल्ट जी, सॉल्ट की तरह। ओके, ऑलराइट। हमेशा बुराई ही करते हैं, कभी उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन जो उनके फेक फ्रेंड्स होते हैं वो उनकी हमेशा, वो चीनी की तरह होते हैं क्योंकि उन्हें कीड़े भी लग जाते हैं और वो हमेशा मिठाई वाली, मतलब कि ऐसी ही बातें करते हैं उनके साथ। लेकिन इसीलिए कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो कभी आपकी, आपके सामने तारीफ नहीं करते। फिर आज आपने बड़ा लेसन मुझे सिखाया है। मेरी दो बेस्ट फ्रेंड है फरी और शहरवानो, मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे इतनी तनकीद करती हैं, वो इतनी तनकीद करती हैं, इट मीन्स कि वो नमक है। यस, आज से मैं उनका नाम नमक रख दूँगी। मैं कहूँगी आज एक बच्ची ने मुझे सिखाया है तो मैं उनका नाम नमक रख दूँगी। और कुछ मेरे फेक फ्रेंड्स हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उनके नाम के आगे मैं चीनी लगा दूँगी जी। चले, आप मुझे बताएं कि कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई अच्छा मैसेज देना चाहती हैं? मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ? कोई मैसेज, कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज देना चाहती हूँ? अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो हासिल करना करो और अपने घर वालों से बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि घर वालों ने बाद में आकर यही कहना कि तुमने नहीं पढ़ा, बाकी सारा इल्ज़ाम तुम पे आएगा, तुम्हारे घर वालों पे नहीं, इसलिए जितना पढ़ना उतना पढ़ो। बेटा, अभी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड के घर वाले हैं ना, उन्होंने आपसे मिलने नहीं देना उसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, स्कूल के डेज, ये बड़े मज़े के होते हैं। आप बड़े हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, एक तो पीक पे होते हैं इमोशंस भी, और स्पेशली जो ये टाइम होता है ना, ये बड़ा फ्रेंडशिप का अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे आपके डिसाइड हो जाते हैं कि कौन से आपके लॉयल फ्रेंड्स हैं, कौन से आपके जो हैं वो फेक फ्रेंड्स हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे और लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। तो चलिए, चलते हैं, बढ़ते हैं हम और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मिसेज इमरान। आपका क्या नाम है प्यारी सी लड़की? खाने माइक खान है। नाम बताओ ना, नाम तो बता दो। लॉलीपॉप चाहिए, नाम बताओ। हाँ, पहले बताओ। हाँ, लॉलीपॉप देंगी। बताओ नाम, बताओ। ये क्या नाम है, क्या नाम है आप बता दें? दुआ इमरान। दुआ इमरान, अच्छा। दुआ, आप कौन सी क्लास में है? बैग तो बड़ा प्यारा पहना हुआ है। ट्री में। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कपड़े तो आपके बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपने बड़ा प्यारी सी बैंड भी लगाया हुआ है, तो ये किसने बनाया आपको? मम्मा ने। मम्मा अच्छी लगती हैं या बाबा अच्छे लगते हैं? कौन अच्छा लगता है बताएं, जल्दी से बता दो। ओए नहीं, कौन अच्छा लगता है बताएं, कौन अच्छा लगता है जल्दी से बता दो। बाबा अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है दुआ को कलमा नहीं आता होगा। दुआ को कलमा आता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता आता है। तो कलमा आता है, फिर वो लॉलीपॉप लेके देना। नहीं नहीं, छोड़े, मेरा ख्याल है दुआ को कलमा नहीं आता है ना। आता है, सुनाए फिर फटाफट जल्दी से। सुनाए, आता है कलमा? हाँ। नहीं आता? आता है, तो सुना के दिखाए जरा हमें। आता है, सुनाए सुनाए। नहीं, मस्ती कर रही हैं। दुआ जल्दी से सुना दे, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। लॉलीपॉप फिर लेके देंगे, चलो आपको लॉलीपॉप लेके देंगे, चलो जल्दी से करो। पहला कलमा नो। अच्छा, नहीं नहीं सुना रही। आप बताएं आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। बड़ी वैसे टफ बच्ची है आपकी। माशाल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं और 1 मेरी बेटी है छोटी। ये सबसे छोटी लग रही है जी? सबसे छोटी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शरारती बच्ची कैसे मैनेज करती है? बस अल्लाह ताला जब माँ बना देता है और सारी फिर चीज़ें साथ साथ ही आ जाती है। लग रहा है दुआ थोड़ी सी जिद्दी है। एक है ना बेटी, इसलिए जिद्दी है। लाडली लग रही है। लाडली है थोड़ी। हम जल्दी से क्विकली आपसे सवाल करेंगे, वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? नसीहत। नसीहत नहीं, गलत जवाब होती है। अच्छा चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा दुआ ज़रा बड़ा तंग करी थी हमें। ये बड़े तरीके होते हैं बच्चों को कहने के, नहीं नहीं आपको कुछ नहीं आता, फिर बच्चे सुना देते हैं, लेकिन दुआ ने नहीं सुनाया। कोई बात नहीं व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और जिन्होंने अभी शो को देखना ज्वाइन किया है वो घबराएं ना, परेशान ना हो, उनको मैं सवाल बताऊंगी आज का जो कि हम लोगों से कर रहे हैं। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे। तो सवाल हमारा ये है कि वो क्या है जो एक इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है खूबसूरत हसीना? मायदा अजीज़ुर रहमान। मायदा अजीज़ुर रहमान, तो करती क्या है आप? मैं बेसिकली बिजनेस करती हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, ग्लोजा के नाम से हमारा ब्रांड है बीन बैग्स का। अच्छा, लहजे से थोड़ी ऐसी लग रही है जैसे पिंडी पिंडी का लहजा हो। हाँ, आपने सही पहचाना, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से है ना? हाँ जी। क्या बात है, पहचान लिया मैंने। मैंने कहा तुक्का कहीं गलत ही ना हो जाए, बिस्ती ही ना हो जाए। No! तो आप ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, क्या आइडियाज हैं आज आपके पास? पहले तो बताएं कि आप शेयर करना चाहेंगी कौन सा बिजनेस कर रही हैं। जी 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 जी, करें। बेसिकली मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ ग्लोजा के नाम से। तो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। और आइडिया जो है वो किस तरीके से मुझे आया था, ये मैंने खुद ही अपने से, मतलब ये कि सर्च करती रही। मैंने प्रोडक्ट रिसर्चिंग जो थी ना वो मैंने सीखी थी, और उसके बाद मज़ीद मैंने इसके ऊपर वर्किंग की। तो उसके बाद ये फिर मुझे बीन बैग्स का जो है प्रोडक्ट मिला, तो इसके ऊपर फर्दर जो है मैंने किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरा अपना यूनिट है मॉडल टाउन में। और माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे एक दिन आइडिया आया बीन बैग्स का? करती हैं आप बड़े वो कम्फर्ट कम्फी से होते हैं बड़े, है ना? तो उनके प्राइस पहले तो मुझे याद है बड़े पुराने दौर में मेरे पास बीन बैग्स होते थे, अब तो मेरा दिल कर रहा है ख़रीदने का, लेकिन आप पता नहीं रेट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं नहीं, बेसिकली रेट्स हमारे जो है ना पाकिस्तान के सारे जो बीन बैग्स के ब्रांड्स हैं उनसे कम है। वो कम रखने की मेरी एक रीज़न ये है कि वो हर एक की मतलब कि अप्रोच में होनी चाहिए। आप जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं ना वो हर एक के अप्रोच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने जो उसके रेट्स हैं ना वो कम ही रखे हुए हैं। अब क्या बीन बैग का आपके एक रेट है? हमारा जो फुटबॉल का अडल्ट साइज़ का, जो आपके जितना बंदा जो है इजीली जिसके ऊपर बैठ सकता है, 6 फुट का, मतलब आपकी तो 6 फुट आई थिंक हाइट नहीं है, तो 6 फुट का बंदा जिसके ऊपर इजीली बैठ सकता है उसकी है 3500 रुपीज़। 500 हम लोग जो है वो डीसी चार्ज करते हैं। तो अगर यहीं पे खड़े खड़े मैं आपसे ख़रीद लूँ तो क्या डिस्काउंट देंगी आप मुझे? बेसिकली हमारे ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं, तो हम डिस्काउंट देख लें। मतलब खड़े खड़े इनको मैं बिजनेस देने लगी हूँ, मैंने कहा चलो मैं इनसे एक बीन बैग खरीद लेती हूँ, मुझे नहीं डिस्काउंट दे रही हैं, सोच लें। डिस्काउंटेड रेट्स है ना, मैंने इस वजह से बोला। ठीक है, अगर आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे देती तो मैं आपसे ख़रीद भी लेती। वैसे मेरा इरादा पूरा है, आप सोच सकती हैं इस बारे में। ज़रूर लीजिएगा, हम आपको दे देंगे, नो इशू। हाँ जी, ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपका वो कौन सा पॉइंट था एक खुद, आप वैसे आप मुझे ये बताएं आपने स्टडीज़ क्या की हैं? मैंने बीएससी की हुई है। बीएससी की हुई है, उसके बाद आपने कब, आपको ऐसा पॉइंट आया आपने कहा मैंने बिज़नेस ही करना? ज़्यादातर होते हैं ना आजकल के स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएट हो गए, अब इसके बाद नौकरी करो। आपने कौन सा पॉइंट था जो हमारी खवातीन जो घर बैठी हुई हैं उनको भी मोटिवेट करें, उन्हें भी बताएँ? वो अक्सर मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि कुछ खवातीन हैं जो कहती हैं हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, इस कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे मोटिवेट करेंगी? बेसिकली जो हमारी मेरी स्टडी है ना वो बिल्कुल ओपोजिट है मेरी फील्ड से, ठीक है। मैंने बायोलॉजी में किया था, मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, लेकिन कुछ घर के इश्यूज़ की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से फीसिस बहुत ज़्यादा थी, जो कि मेरे हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर मैंने, आप ऐसे समझें कि मैंने स्टडी भी बीच में से स्किप कर दी थी, मैंने अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। मैंने मतलब ये कि लोगों को मैं देखती थी, मैं कहती थी यार ये मेरी जैसी लड़कियां ये अगर कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने देखा कि प्रोडक्ट रिसर्चिंग किस तरीके से होती है, रिसर्च किस तरीके से करते हैं, फिर जो है वो उसको यूट्यूब्स के ज़रिए जो है ये सारा कुछ मैंने सीखा है। YouTube
यूट्यूब से सीखा? क्या बात है, मतलब ये आपके अंदर भी लगन थी काम करने की? बहुत ज़्यादा। बड़ी अच्छी बात है। हमारी ख़वातीन जो घर बैठी हैं, बल्कि मैं खुद भी अक्सर सोचती हूँ कि बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मेरे लिए भी ये मोटिवेशन है कि मुझे भी कोई काम स्टार्ट करना चाहिए घर बैठे ही। तो अब मुझे बताएं कि वो आपने कैसे सर्च किया कि मैं कपड़ा खरीदूँ, इसमें क्या वो डलता है, वो सारा कुछ वो यूट्यूब से ही देखा? नहीं, मेरी जो ये वाली स्टोरी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मैं पहले किसी से बने बनाए लेती थी। अच्छा, वो ये ऐसे करते थे कि 2 महीने के बाद मुझे कहते थे अब इसका रेट इतना हो गया, इतना इतना। मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने अपनी एक दोस्त के साथ डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये तो ऐसे सीन है, बताओ मैं क्या करूँ। वो कहती यार तू मतलब ये कि बने बनाए बीन बैग्स क्यों ले रही है, तू खुद अपने क्यों नहीं बना रही। तो फिर मैं अपने भाई के साथ गई, हम लोगों ने मार्केट सारी जो है वो सर्च की, सारा कुछ किया, कपड़ा वगैरह देखा, सब कुछ किया। और लेबर जो है वो मेरे फादर ने मुझे ला के दी है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम ये इस तरीके से स्टार्ट किया। ये अच्छी बात है कि पहले आप ख़रीद के करी थी, वो ये एक्सपीरियंस ही होता है ना, पहले कि आप एक काम स्टार्ट तो करें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा लॉस होता है। अच्छा, हमारा ये माइंड बन गया है कि बिज़नेस करते ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। आपको लॉस भी होता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी होता है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी मुझे बताएं कि रावलपिंडी से आप हैं, लाहौर आई हुई हैं, अच्छा लग रहा है लाहौर के लोग कैसे इन्जॉय करने आई हैं? नहीं, मैं रावलपिंडी से आई नहीं हूँ। हम लोग मतलब ये कि वैसे पिंडी से ताल्लुक है, रहते हम लोग लाहौर में रहते हैं, मॉडल टाउन में आप अपना काम करती हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हमारा सवाल है, हम आपसे आज सवाल करेंगे, बाकी बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, कि वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? क्या है जो अपने, वैसे मतलब ये कि मेरा तो इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। अम्मी से डांट? नहीं, अम्मी से डांट तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मेरी दोस्त ये कहती है यार लड़कों से अगर आप बात करती हैं तो ये सुनने को मिलता है मेरी अम्मी अपाली वाले। ये वाकई सच है। हमारी मतलब एक पहले वो कमिटमेंट कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मानी, ये हर लड़का करता है। तो उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि देखें, अगर आप किसी को अपने पीछे लगा के चल रहे हैं, ठीक है, आप किसी के साथ टाइम जो है अपना स्पेंड कर रहे हैं, आपको अपने पेरेंट्स का पता है, मुझे मेरे पेरेंट्स का पता है कि वो किस तरीके के हैं, क्या वो किसी के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर तो वो मानेंगे तो मैं अपने साथ किसी बंदे को रखूँगी। अगर मुझे पता है मेरे पेरेंट्स इस तरीके के नहीं हैं, तो हम दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हर बंदे को अपनी फैमिली का पता होता है। तो आप कभी भी किसी से गलत कमिटमेंट ना करें, किसी को आप झूठा लारा ला ना लगाएं। और अगर आप उससे शादी कर सकते हैं तो फिर आप उसके लिए स्टैंड करें, लड़ें। पर बड़ी अच्छी लगी आपकी बात, और बड़ा अच्छा आपने मैसेज भी दे दिया। सवाल तो आप जवाब नहीं दे सकी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपसे बड़ी मोटिवेशन मिली है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बातें सुनी होंगी। इंतहाई अच्छी खातून थी, अपना बिज़नेस कर रही हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उम्मुल बनी। आपका? अली। अली। और इस बच्चे का क्या नाम है? सैयद हुसैन अली जी। 5-6 मंथ का है? 6 मंथ का है। अच्छा जी, तो मुझे बताएँ कि शादी कब हुई है दोनों की? 2 साल होने वाले हैं। 2 साल होने वाले हैं। अभी क्या करने आए हैं दोनों? मॉल शॉपिंग करने आए हैं। बेगम तो आपकी बड़ी मासूम सी लग रही है। जी ऐसे ही है। डर के मत कहें, कुछ नहीं कहेंगी आप? कुछ नहीं, ऐसे ही हैं। अच्छा ठीक है, आप करते क्या हैं? मैं जॉब करता हूँ। आप क्या करती हैं? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर पढ़ रही हैं। अभी भी पढ़ रही हैं? जी। आप पढ़ने दे रहे हैं इनको? जी मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सपोर्ट कर रहे हैं, फीसें आप ही दे रहे हैं? जी। अब आधा ज़बरदस्त, तो आप सपोर्ट की वजह से मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो पहले घर से क्यों नहीं पढ़ कर आई? मैंने 2 साल अपने घर से पढ़े थे, तो उसके बाद शादी होगी फिर इनके साथ। अच्छा, ये वैसे माँ बाप का तरीका सही है, शौहर पढ़ाएगा। लेकिन आप, अच्छा ये अच्छी बात है, मैं मजाक कर रही हूँ, आप भी चाहते थे कि बेगम आपकी जो है ज़्यादा स्टडी करे। आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? जी मैंने BA किया हुआ है। आप क्यों नहीं आगे पढ़े, दोनों मियाँ बीवी मिल के पढ़े? जॉब भी साथ साथ है ना, आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, चलें। तो आप बेबी के साथ मैनेज कर लेती हैं पढ़ाई, घर के काम संभालना, कैसे मैनेज करती हैं? मैं सब कुछ कर लेती हूँ, और अभी तो मैंने CSS भी करना है इंशाल्लाह। क्या ऑक्टोपस हैं आप, कितने हाथ हैं आपके, कैसे कर लेती हैं? बस हस्बैंड साथ हैं तो फिर किसकी, यानी हस्बैंड आप ज़्यादा संभालते हैं बच्चे को? जी दोनों ही मिल के करते हैं, दोनों मिल के संभालते हैं। की भी स्पोर्ट है, इसकी दादी की भी। ये बात है, ये जो अमिया है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना तोहफा है,
इसका हम कभी भी जो है ना वो एहसान नहीं उतार सकते अपनी माओं का। आप बताएं, मुझे सवाल है हमारा आज बूझो तो जीतो प्रोग्राम में, आप सवाल ये है कि वो क्या है जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनता है? अपने नाम। नाम बेगम ने आपके पहले कहा है, सही जवाब हो गया। क्या पैगाम क्या देना चाहती हैं आप हमारी उन ख्वातीन को, मेरे जैसी सुस्त ख्वातीन को जिनको लगता है कि काम हो नहीं सकता? मैं यही कहूँगी कि शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने शादी के बाद छोड़ दिया अपने, मतलब 6 सेमेस्टर्स उन्होंने किए और उसके बाद 7th में वो छोड़ कर चली गई। तो मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, सब कुछ मैनेज हो जाता है, कि अल्लाह मददगार है। अच्छा चले, तो आपने कभी सोचा है कि मैं ट्यूशन्स पढ़ा के अपनी फ़ीस भर दूँ? मैंने ट्यूशन 6 मंथ्स के लिए किया था। ठीक है, पहले फिर उसके बाद छोड़ दिया आपने? जी, स्टडी थोड़ी टफ भी है और फिर मेरे साथ बच्चा भी। अब चलें, बड़ी अच्छी बात है, आप भी आज तो मोटिवेशन से भरे हुए लोग हमें मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा दोनों से बात करके। जाते जाते हम पूछेंगे आपसे कि आपको इनकी अच्छी आदत क्या लगती है। इनमें सारी अच्छी आदतें हैं। चलें फिर बुरी बता दें। नहीं, बुरी अभी तक कोई भी नहीं। 2 साल में क्या बुरा नज़र आना है, अभी तो वैसे भी पढ़ाई में बड़ा मसरूफ़ है। अल्लाह आप लोगों को बड़ा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आई होप आपने कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का। और आपको पता है आज तो मोटिवेशन से भरे हुए लोग हमें मिल रहे हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे। चलें बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमाद। हमाद क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर। अरे ज़बरदस्त, इंजीनियर्स तो बड़ा रो रहे हैं। बस अब अंदाज़ा हुआ है, करके अंदाज़ा हुआ है। तो जब इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी तो तब तो माँ बाप ने कहा होगा, अम्मा अब्बा ने, पुत्र साडा इंजीनियर बन रहा है। हाँ जी, बस इंजीनियर बन गया, बन के पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है, कितनी मुश्किल पेश आ रही है। फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन यह है कि सीखने को बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। अच्छा मुझे बताएं, ज़्यादातर ऐसा होता है ना, जो हम स्टडी करते हैं वो हमारी एक्सपीरियंस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। 4 साल मैंने UET से इंजीनियरिंग किया, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अब उसमें अब प्रैक्टिकल जब हमने किया ना, तो अब पता लग रहा है कि जो पढ़ा था वो उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑपोजिट है बिल्कुल। फील्ड में आगे पता लगा कि सारी चीज़ें कैसे होनी है। कुछ तो होगा जो लगा हो कि हाँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में है। ये देखा है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ना आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन फील्ड से रिलेटेड आपको फील्ड में जाके पता चलता है। यानी कि धोखा हो गया आपके साथ। हो रहा है, ऐसी है। कोई बात नहीं, अब अम्मा अब्बा के पैसे रिटर्न करने का वक्त आ गया। ऐसी है तो फिर हमाद, आप पैसे रिटर्न करेंगे अपने अम्मा अब्बा को, या कहेंगे बस अब पढ़ा भी दिया, अब्बा शादी भी करा दें? नहीं नहीं, शादी का तो अभी सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं है अभी, पहले पैसे पूरे करने। ऐसी है। तो क्या इरादा है? आजकल जो यंग जनरेशन है वो तो कहती है पाकिस्तान छोड़ के बस भागो। अच्छा है वो। अच्छा है, बेटर है। कहाँ जाने का इरादा है, कौन से मुल्क जाएंगे? कनाडा। कनाडा जाएंगे, तो कोई है वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ सिस्टर है। फैमिली को मिस नहीं करेंगे, कनाडा चले जाएंगे क्योंकि अम्मा अब्बा को साथ लेके जाना है। साथ बुलाएंगे ना फिर जाके, वहाँ जाके बुलाएंगे। चलें, अम्मा को फिर आपने गोरी बना देना है, पेंटे शंटे बनाएंगे। अम्मा आप भी जीन्स शर्ट पहने, जो मर्जी है वो, जो मर्जी। क्या बात है, बड़े मुझे तो लगता है आप हस्बैंड भी बहुत अच्छे बनेंगे। हाँ जी, जो मर्जी है वैसे ही पहनना चाहिए। मुझे ये बताएं हमाद के, हमारा सवाल है कॉमन सेंस का सवाल है, हम जरा आपकी कॉमन सेंस भी टेस्ट कर लेते हैं। वो क्या है जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? अपनी सोच नहीं, सुनता है। सुनता है, आई थिंक ताने सुनता है ज़्यादातर, तो मुझे तो ताने ही पड़ते हैं। मुझे लगता है आपने बड़े ताने सुने हैं अभी अभी। मुझे बताएं रिसेंटली अभी आते हुए कौन सा ताना सुना है? वो हमारे जानने वाले का लड़का बाहर चला गया और तुम अभी तक यहाँ पर जलील हो रहे हो। कोई बात नहीं, अम्मा अब्बा की ब्लैकमेलिंग होती है आजकल, बस कायदे आजम चलते हैं और कुछ नहीं है। पैसे की बात है, पैसे की वैल्यू है। चले हम आज सुनने में आए हैं, आप गाना अच्छा गा लेते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। चले जी, इंजीनियर नहीं तो सिंगर ही सही। चले जी, कोशिश करेंगे। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाता हूँ, सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुड़ जाती हैं, देखते देखते तुझे ये गलियाँ, तेरी तरह खुशबू चले
तारे हमारी तरह रातों से मिले, सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियां, ये आरजू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कैसे कहूँ है तुम सा कोई कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे, तेरे हवाले मैं किसी बहाने, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। क्या बात है, क्या इरादे हैं आपके? ये बस बड़े बड़े ना, मतलब कह सकते हैं पोशीदा इरादे हैं, पोशीदा इरादे हैं, छुपे हुए इरादे हैं। चले जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है, चाय का कप रखे अपने हाथ में, साथ मंचिंग करें, मैं यूं गई और यूं आई, स्टे विद अस। वापस से हमारा आज का सवाल है कि वो क्या है जो इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा सुनता है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ और व्यूअर्स पूछते हैं हमसे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास। क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ, जॉब करता हूँ लाहौर में। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से। बिहाड़ी की मशहूर चीज क्या है? बिहाड़ी के मशहूर जो खाने वाली चीज, खाने वाली बता दें। वहाँ महंगे का होटल है, देसी मुर्गे कढ़ाई में। देसी मुर्गे, क्या बात है, देसी मुर्गा जो है वो बड़ा महंगा होता है। महंगा होता है और अच्छा भी दर्शा है। अच्छा होता है, ठीक है। शाम की फिश भी अच्छी होती है। जबरदस्त, क्या बात है। चले जी मुझे बताएं कि वो क्या है जो इंसान जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? जो इंसान जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है, एज ए मुस्लिम तो अजान सुनता है। अच्छा, नहीं बहुत ज़्यादा सुनता है। आपकी जात से रिलेटेड है? सॉरी नहीं पता। No! क्या अच्छी बात बताना चाहेंगे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, क्या कहेंगे आज की यंग जनरेशन को? यही कहूँगा कि आप मेहनत करें तो सब कुछ मिल सकता है। अगर इधर उधर घूमेंगे या किसी और के सहारे, किसी का सहारा नहीं ढूंढना है। अच्छा। आपने भी अपने आप पर यकीन रखें, आप जो भी है ना अपने आप को आप प्रमोट करें, मतलब किसी पे डिपेंड ना करें, किसी पे डिपेंड नहीं करना। बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स बड़ी अच्छी ने बात की कि आप कभी किसी पे डिपेंड ना करें और अपने बिहाफ पे, अपने सेल्फ पे सोच के देखें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और ज़रूर कामयाब होंगे। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं कौन लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिस्टर शहबाज। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। आपका क्या नाम है बताएं ना? क्या नाम है आपका? उमेहानी। बोलो क्या नाम है? उमेहानी। उमेहानी, इतनी प्यारी हैं आप। कौन से स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हैं? जाती हैं। अच्छा जी, मामा अच्छे लगती हैं, बाबा? बाबा अच्छे लगते हैं। बाबा अच्छे लगते हैं। बच्चे जो है ना वो ऐसे ही करते हैं, माएँ इतनी मेहनतें करती हैं और अब्बू अच्छे लगते हैं। आप बताएं आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं जी। हाउस अभी आई हुई हूँ शॉपिंग के लिए। हाँ जी, शॉपिंग के लिए। आपसे सवाल करेंगे क्योंकि बच्चा आपके हाथ में शरारत करेगा, तो मुझे बताएं कि वो क्या है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? सबसे ज़्यादा सोता है? सुनता है, सुनता है। मामा की डांट। हाँ, अम्मा बहुत वैसे डांटती हैं। अम्मा कभी राज़ी भी नहीं होती हैं, मेरी भी अम्मी नहीं होती राज़ी।
आप बताएं कि अम्मी की डांट बहुत खाई है आपने? बहुत ज्यादा। ज्यादा किस बात पे खाई है? ज्यादा मोबाइल यूज करने से। मोबाइल शादी से पहले? बहुत फोन यूज कर, मोबाइल यूज करने से पहले। तो फिर अम्मी क्या क्या कहती थी? तू काम कर रही ना, मैं ही कर लूंगी। नहीं, तू बस मोबाइल के अंदर ही बनी रहे। यहीं से लाहौर से? हाँ हाँ जी, लाहौर से, बागबानपुरे से। चले, जबरदस्त। आप मुझे बताएं, आपको कोई पोइम आती है? सुनाएंगी आप पोइम? नहीं आती पोइम। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप बढ़ते हैं, हम आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? सैयद अच्छाम शाह। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं लाहौर में? अच्छा, तो पढ़ा क्या है? पढ़ाई ये किया है? मैंने एफ ए किया। एफ ए किया, आगे नहीं पढ़ने का इरादा? नहीं, पढ़ने का इरादा तो है, पर देखेंगे। अब देखेंगे, शादी करेंगे आप? हाँ जी, इंशाल्लाह। जबरदस्त सवाल है हमारा। वो क्या है जो इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? मेरे माइंड के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो सुनी जाती हैं हमारे मदरसे के घरों में, वो गालियाँ ही होती हैं। अरे पढ़ी हैं? पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बाबा जो हैं वो हमारे लिए जो गालियाँ निकाली। ज़्यादा पढ़ी हैं अबू से? फ़िलहाल तो अबू से ही पढ़ी हैं। अबू से पढ़ी हैं? मुझे तो लगता है अम्मियाँ जो है वो ज़्यादा बोलती हैं। नहीं, हमारी अम्मी जो है ना वो हमारे से थोड़ा सा फैमिली मतलब फ्रेंडशिप हैं, और फ्रेंडली हैं बता, हमारे पे वो इतना बोझ नहीं मतलब। ठीक है, चलें सही, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि आप अभी इस वक्त शॉपिंग के लिए आए हैं, वैसे घूमने आए हैं? नहीं, हम दरअसल में यहाँ पर आए थे खाना खाने के लिए, तो दोस्त आए थे तो खा लिया खाना। नहीं, अभी अब नमाज पढ़ेंगे। नमाज खाएँगे? पिज्ज़ा जी, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाएँगे सारे मिल के, पैसे मिला के? नहीं, जैसे अब बेहतर लगा। जस भाई, हालात ही ऐसे हैं, हम लोग भी मिलके पिज़्ज़ा खाते हैं। चलें, वेरी नाइस। बताएं मुझे कि सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सकते, तो कुछ सुनाना चाहेंगे आप? जी, मैं एक नुसरत सुनाना चाहते हैं। जी जी, नुसरत फतेह अली खान की गज़ल है, वो सुनाना चाहूँगा। चलें जी, सुनाएं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ये झूठी नुमाइश, ये झूठी लगावट, फरेबे नजर है नजर की मोहब्बत। ये संदल से खेसू ये आजज गुलाबी, जमाने में लाए ये एक दिन खराबी। फना हमको कर देगा ये मुस्कुराना, अदा का फिराना चलन जालमाना। मुटाओ ना रुक से यही अंदाज हमसे, घुटाओ ना जुल्फों के यही जाम हमसे। तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। कैसे? बस ऐसे। अच्छा जी, कैसे कर लिया ये इतनी सुरीली आवाज़? बस सुनते हैं और गाते हैं, गा लेते हैं। ज़बरदस्त, ऐसा कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूवर्स, ये तो आपने रेट करना है इन्होंने कैसा गाया है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और देखते हैं इर्द गिर्द बड़े प्यारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इन तीन प्यारे बच्चों का? हुरैन, जवेरिया, अयान। कौन कौन सी क्लास में है? 9, 3। हिफ्ज़ कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। मुझे बताएं कि तीनों बनना क्या चाहते हैं? लॉयर, डॉक्टर, हाफिज़। क्या बात है, तो डॉक्टर बनके लॉयर बनके करेंगी क्या जॉब? आप इलाज, डॉक्टर बनके मुफ्त में इलाज करेंगी पैसों से मुफ्त में जाना से, दोनों से? अच्छा, तो जो अमीर लोग होंगे उनके साथ पैसों से, जो गरीब होंगे उनका मुफ्त इलाज? यस। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं, तीनों हमारा एक सवाल है आज का कि वो क्या है जो इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है? डांट, डांट, गाने,
डांट, सबका एक ही जवाब डांट। लगता है गाने नो आप तो हाफिज हो, आप तो नहीं सुनते होगे? नहीं सुनते? अच्छा तो मुझे बताओ कि जब आप हिफ्स करने जाते हैं तो वहाँ पे तो बड़ा सख्ती होती है, डांट आपके नहीं होती? नहीं। कभी जो ना याद हो रहा हो तो फिर उस पर क्या कहते हैं अपने जो कारी साहब होते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहते हैं कारी साहब, अभी याद नहीं हो रहा। चलें, बड़ा मासूम बच्चा लग रहा है, अभी डारी ना जाए। आप दोनों मुझे बताएं कि बड़ी अच्छी दोनों प्यारी लड़कियां लग रही हैं, अभी किसके साथ आई हैं आप दोनों? फैमिली के साथ? कहाँ है अम्मा अब्बा? मम्मा पापा नहीं। फूफो आई हैं, फूफो अच्छी हैं? हैं फूफो? अभी कोई कहा है कि फूफो ये ले दें या वो ले दें? कहा है फूफो को? नहीं नहीं कहा, तो कहें ना, कहें। फूफियों को कहते हैं, मटियाँ बढ़ाने लगी हूँ व्यूवर्स में, फूफो को ना कहते हैं जाके कि फूफो ये ले दें, फूफो वो ले दें। फूफियाँ नहीं हाथ में आती हैं, ये जब बड़ी होगी ना तब मेरी बात समझ में आएगी। तो अभी फूफो अपने बच्चों के साथ भी आई हैं? जी। उनके बच्चे भी आए हैं, तो कजन्स वगैरह खेलते हो, मज़ा आता है? जी। सबसे ज़्यादा कौन सी गेम खेलते हो आप लोग सारे? बातें करते हैं। बातें? अभी तो इतने छोटे हो, ये बड़ी लड़कियाँ बातें करती हैं। आप? बैट बॉल। अच्छा आप खेलते हैं? नहीं, आप मुझे बताएं कि आप दोनों अभी से ही बातें करती हैं? बड़ी औरतें बातें करती हैं? साइकिलिंग। और आप वो नहीं खेलते, वो जो बचपन में हम पेपर ले लेते थे उस पर लिखते थे नेम थिंग प्लेस नाम चीज जगह, वो खेलते हैं? यस। चलो आज जाके खेलना। ओके, अब सवाल का जवाब तो आप तीनों ने नहीं दिया, लेकिन तीनों क्या सुनाने वाले हैं, क्या शेयर करने वाले हैं? नाच। आप? कुछ भी नहीं। आप सुनाएंगे तिलावत? याद किया वो सुनाएंगे? डर लगता है? चलो ना सुनाओ, कोई बात नहीं, आप सुना देना। खुला है सभी के लिए बाबे रामत, वहाँ कोई रुतबो में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कटा खड़े हैं सवाली, मैं पहले पहल जब मदीने गई थी तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबो में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतार खड़े हैं सवाली। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का, थैंक यू सो मच। कभी कभी मैं ऐसे हो जाती हूँ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और हमारा जो आज का सवाल था वो मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ। सवाल ये था कि वो क्या है जो एक इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुनता है, तो इसका सही जवाब है आपका अपना नाम। आपने हमेशा की तरह प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।